गाजा पट्टी में इन दिनों जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। एक तरफ इसराइल लगातार बम बरसा रहा है, हमास के भीषण हमले के बाद गाजा पट्टी पर इसराइल ने भी जोरदार पलटवार करते हुए उस पर भीषण हमला किया है और इसराइली स्ट्राइक से गाजा पूरी तरह छलनी हो गया है। गाजा में 100 से अधिक ठिकानों पर इसराइली एयर स्ट्राइक में 790 घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। इसराइली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि गाजा पर उसके हमले पहले से भी बड़े और गंभीर होंगे। हम हमास आतंकियों को कुचलने के लिए तैयार। दूसरी तरफ उसने पूरी तरह से गाजा की नाकेबंदी कर दी है और गाजा की सीमाओं को सील कर दिया है, जिससे कि गाजा में किसी भी तरह की मानवीय मदद नहीं पहुंच सके। गाजा की हवाई और जमीनी सीमा इसराइल के नियंत्रण में है। गाजा को मदद उसी के रास्ते जाती है, यानी गाजा चारों तरफ से इसराइल से घिरा हुआ है, इसलिए पानी, बिजली, दूरसंचार और अन्य कई सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से इसराइल पर निर्भर है। यहाँ तक कि खाने की बहुत सी चीजें गाजा में इसराइल से ही आती हैं। कैम्फलोम वो चेक पॉइंट है जहाँ से गाजा को सप्लाई जाती है। इसमें खाने पीने की चीजों से लेकर दवा और दूसरी चीजें भी शामिल है। ईंधन उपलब्ध नहीं होने से स्वास्थ्य सेवाओं के भी बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। गाजा की 80% आबादी मानवीय मदद पर निर्भर है। गाजा की नाकेबंदी होने की वजह से दुनिया भर की मदद पर निर्भर रहने वाला यहाँ के करीब 23 लाख लोगों के लिए संकट पैदा हो गया है। उन्हें बिजली, पानी, राशन, ईंधन, दवाइयों जैसे जरूरी चीजों के लिए जूझना पड़ रहा है। दुनिया भर से संपर्क टूटने की वजह से यहाँ से लोग दूसरे देशों में शरण भी नहीं ले सकते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इसराइल ने मिस्र को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने मदद भेजी तो उसके ट्रकों को उड़ा देंगे। मई 2021 में गाजा पट्टी में 11 दिनों तक चलने वाले खूनी संघर्ष के बाद राहत के तौर पर मिस्र सरकार ने खाद्य सामग्री, दवाइयां, कपड़े और घरेलू आवश्यक सामानों समेत 130 ट्रक सहायता सामग्री को सीमावर्ती गाजा पट्टी के लिए भेजा था। आपको बता दें कि 1948 से लेकर 1967 तक इस पर मिस्र का अधिकार था। 1967 में 6 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद इसराइल ने अरब देशों को निर्णायक रूप से हराते हुए मिस्र से ये पट्टी छीन ली। 2005 तक गाजा पर इसराइल का कब्जा था, लेकिन इसके बाद इसराइल ने इस पर अपना कब्जा छोड़ दिया। अब गाजा पर हमास शासन करता है। हमास को इसराइल मंजूर नहीं, वो इसे फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा मानता है। हमास फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ाई की बात करता है। बहरहाल गाजा की सप्लाई काटे जाने पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है और इसराइल और हमास के बीच युद्ध में पिस रहे आम लोगों की मदद के लिए मानवाधिकार समूह परेशानी का सामना कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।